बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सच क्या देख रहे हैं। मैं नवाज़िश अली हूँ। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5 साला दौरे इकतदार जो है मुकम्मल हो चुका है और अब जो है निगरान वज़ीर आला का भी फैसला हो चुका है। 5 सालों में सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में जो है वो बेपनाह तरक्की के दावे किए गए हैं। ज़ाहिर है ये जो तरक्की के दावे हैं ये हुकूमतें तो करती हैं, लेकिन जो है ज़मीनी हकायक क्या हैं, ज़मीनी हकायक शायद मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जो है वो इदारे, सियासी जमातें और जो सिविल सोसाइटी है उस वो उसका ये मानना है कि जो तरक्की के दावे हैं उनमें इतनी सदाकत नज़र नहीं आती, ज़मीनी हकायक कुछ और हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब, आप साबिक रुकने सिंध असम्बली हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है और इस पूरे ऐवान में 5 साल आपने गुजारे हैं और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर मुगैरी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से आपका बड़ा नाम है। मैं आप दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले शुरू करेंगे जनाब अब्दुल रशीद साहब से। अब्दुल रशीद साहब, 5 साल आपने इस असम्बली में गुजारे हैं, बतौर साबिक रुकन सिंध असम्बली और आप क्या समझते हैं कि आप इस असम्बली ने आवाम के साथ इंसाफ किया है? 5 साल गुजार लिए, जिस तरह की उम्मीदें और तवक्कुआत आवाम वाबस्ता करती है, मेरा ये ख्याल है कि मैं तो लर्निंग पीरियड में था, मैंने ये महसूस किया कि इन असेंबली में ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए लोगों या ऑपोजिशन की अक्सरियत जिनका वफाद हो वो पॉइंट स्कोरिंग और सियासी नंबर के ठीक है बहुत ज्यादा है। हमारी मजमूई सियासत ने कौम की जो तरबियत की है वो जाती मफाद पर की और पार्लियामेंट के अंदर भी 6-6, 10-10, 8-8 एमपीओस का ढोला बंद करके वजारतों के हुजूर के लिए भाग दौड़ करता रहा और वही चीज बाहर भी है कि जाती मफाद और जाती बेनिफिट के लिए लोग जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं। बहैसियत एक मेंबर सूबाई असेंबली में अपनी पार्टी का अकेला नुमाइंदा था और बिजनेस जो फायद जवाबत के मुताबिक असेंबली बिजनेस होता है, हमने 12 रूल्स अटेम करने होते हैं, तो मैं वाहिद सूबाई असेंबली का मेंबर था कि जिसने इंडिविजुअल सबसे ज्यादा बिजनेस वहां असेंबली के अंदर पेश किया। ये बात अपनी जगह पर है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जमहूरियत की वसात पर आमदाना रवैया रखा है और उन्होंने बहुत सारा बिजनेस ऑपोजिशन का यानी वो टेबल नहीं किया और टेबल किया तो कानून साजी के अमल में यानी 100 से ज्यादा ऑपोजिशन मेंबरान के बिल थे प्राइवेट बिल और उसमें एक बिल सिर्फ राणा अंसार साहिबा का, वो मेरे ख्याल है कि बॉर्ड डील के नतीजे में टेबल हुआ और मंजूर करवाया गया, बाकी बहुत बेशतर कवानीन जो है असेंबली के अंदर पास ही नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो रूल्स के मुताबिक असेंबली बिजनेस की ऑपोजिशन का करना था उसको भी जाम रखा हुआ था। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि आप जाहिर है अपोजिशन बेंचेस पे थे सिंध असम्बली में और अगर आप पिछले 5 सालों में अगर आपका तजिया लिया जाए कि कौन से महकमे हैं जिसमें आप समझते हैं कि बदइंतजामी और करप्शन जो है वो ज़्यादा आपको देखने में मिली और अगर आपकी तरफ से या दीगर अपोजिशन पार्टी के जो रुकन पार्लियामेंट है उनकी जानिब से आवाज़ भी उठाई गई तो क्या उसमें कुछ सुधार आया, कोई इम्प्रूवमेंट आई, कुछ संजीदा कोशिश की गई? अब्दुल रशीद साहब, एक मौके की करप्शन को बयान किया जाए और दूसरे को नजरअंदाज किया जाए तो मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के साथ भी जाती है, सिंध की आवाम के साथ भी जाती है। सिंध हुकूमत का हर मौकमा करप्शन में अपने तौर पर अपना मीनार कायम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहां तक आपके सवाल की इसका ताल्लुक है, इस वक्त सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जिसके आप कह लें कि बहुत सारी शाखें और ब्रांचें मुख्तलिफ नामों से हैं वो लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की और लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, हाउसिंग डेवलपमेंट हो, यानी कोई ऐसा शोभा नहीं है
कि जिसके अंदर करप्शन का तूत ही नहीं बोला हो, यानी इन्होंने तो पाइप डालने के लिए जो घड़ा खोदते हैं उसकी मट्टी निकाल के भी भेज दी और दोबारा टेंडर करके डाली है। इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर कराची के अंदर कोई इस अरसे के अंदर 20 से जायद इमारतें जमीन पोश हो गई, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो पेट है रिश्वत सतानी का और कमीशन का, यानी एक दफा तो किसी एमपी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमें 2 करोड़ रुपए हर हफ्ते बिलावल हाउस भिजवाने हो तो हम क्या करें, हमें तो यही कुछ करना होगा। तो सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत के महकमों की करप्शन, उसके ताने बाने बिलावल हाउस से जाकर के जुड़े हुए थे और उसके नतीजे में मेरा ये ख्याल है कि तारीख का सबसे तरीन दौर गुजरा है जो ये 5 साल गुजरे हैं जिसमें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बहुत भयानक रही। इसी तरह फूड और एंटी नार्कोटैक और एक्साइज टैक्सेशन का जो शोभा है उसके अंदर, यानी जो 1.5 साल पहले की एक रिपोर्ट है, कोई 42 टन मंशियात शहर कराची के अंदर फूकी गई। तो एंटी नार्कोटैक और एक्साइज एंड टैक्सेशन, यानी जाहिर सी बात है कि राजाधियों के ऊपर तो यही लोग मौजूद होते हैं और सियाह को सफेद और सफेद को सियाह करने वाले। तो मेरा ये ख्याल है कि सिंध हुकूमत के तकरीबन महकमों ने एक दूसरे से मुसाबकत हासिल करने की मुस्तकिल कोशिश जारी रखी है और करप्शन का ये मेरा ख्याल है कि सियाह तरीन दौर गुजरा है। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा अब्दुल रशीद साहब, मेयर कराची ज़ाहिर है मुंतखब हो चुके हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, और उनका इंतखाब कैसे हुआ और आपकी तरफ से एहतजाज क्या था वो सब पब्लिक के सामने हैं। आप क्या समझते हैं कि जो जितने दिन गुजर चुके हैं इसमें आपने मेयर कराची को कोई संजीदा कोशिश करते हुए देखा है कराची की आवाम की सहूलियात के लिए? देखिए, मेयर कराची और लोकल गवर्नमेंट की सरगर्मियों का तो एक मुंह बोलता सबूत मेमन रोड में 14 अगस्त को पाकिस्तानी लिबास में डूबने वाला वो बच्चा है कम से जो अपनी साथ जान से गया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मिसाल बहुत है इस अरसे को समझने के लिए कि मैन होल के कवर भी नहीं लगा सके। जहां तक मेयर साहब की बात है, मेयर साहब भी बिल्कुल गवर्नर साहब के तर्ज तरीके पर 2 कैमरामैन लेकर के सड़कों पर फोटो खिंचाते फिर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कारकर्दगी 0 है। तीसरी बात यह कि मेयर ही जाली है, यानी एक सरकारी मुलाजिम जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से फारिग हुए उसने इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक 2 साल का अच्छा भी ना गुजारा हो और वो मेयर बन जाए, तो ये इलेक्शन भी फ्रॉड था और इलेक्शन कमीशन का की कवायद और जवाबिन का भी भांडा इलेक्शन कमीशन ने खुद फोड़ा है और बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब को शहर कराची की लोग क्या इंटरनेशनली सतह पर लोग अब जाली मेयर के नाम से जानते हैं। तो इस वक्त शहर कराची का बलदियाती इंतखाब अधूरा है और मेरा ख्याल है कि मुल्क के इदारों को खुसूसन इलेक्शन कमीशन को और केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त जो मौजूद है उनको माजी में होने वाली खराबियों के लिए कोई सुधार का रास्ता निकालने की जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त मंसूर मुगैरी साहब मौजूद हैं, तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से बड़ा नाम है सिंध में, बहुत सारे स्कैंडल्स को भी आपने जो है वो ब्रेक किया है। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी साहब हमारे साथ रहने के लिए। मुगैरी साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी का एक दफ़ा फिर 5 साल दौरे इकतदार मुकम्मल हो चुका है और निगरान वज़ीरे आला का जो है वो भी नाम सामने आ चुका है, आप कैसे देखते हैं इन 5 सालों में? आप ज़ाहिर है काफ़ी सालों से सहाफ़त कर रहे हैं, पिछला टर्नओवर भी आपने देखा होगा। जी देखिए, निगरान वजीर आला साहब जो है ना वो कल शाम 6 बजे हलफ उठाएंगे। नाम तो पीपल्स पार्टी की जानब से दिया गया है लेकिन लगता नहीं है कि वो सारी चीजें पीपल्स पार्टी की मर्जी के मुताबिक करें, क्योंकि दिल साहब जो है बकूल बाकर साहब वो एक डिफरेंट पर्सनलिटी के मालिक हैं और डिफरेंट चीजों के उससे अच्छी खासी उसके पास वो है कि इंफॉर्मेशन भी है और वक्त भी रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में जो करप्शन गवरू जो है वो उसको सपोर्ट करे या उसको उसके साथ जो है ना वो हाँ में हाँ मिला के चले। मुझे लग रहा है कि वो सिस्टम जो यहाँ पर इतना मजबूत है, बहुत ज्यादा सिस्टम के द्वारा बातें हो रही हैं, तो मकबूल बाकर साहब जो है वो सिस्टम के खिलाफ है तो सिस्टम को तोड़ेगा जरूर। जी
ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा कि आपने इन 5 सालों में क्या देखा मंसूर साहब, कि किन महकमों में आपने सुधार देखा और किन महकमों में आपने तनजुली देखी, आपका जो तबसरा इस पर क्या हो सकता है? देखिए सिंध के कोई 44 के करीब महकमे हैं, उसके बाद कोई 2 दर्जन के करीब जेली इदारे हैं। जैसे आप अगर बल्दियात को देखते हैं तो बल्दियात के जेली इदारों में इन बिटवीन कंट्रोल अथॉरिटी भी शामिल है, तो वाटर बोर्ड भी शामिल है, एनडीए के भी इस तरह से इदारे शामिल हैं। तो आप मजमू इधर अगर देखें इन 5 सालों में तो कुछ लोग जो है वो अमीर हुए, मेजॉरिटी जो लोगों की है वो गरीब हो गई है। करप्शन का एलिमेंट इतना खतरनाक हद तक पहुंच गया कि कोई भी जायज काम बगैर रिश्वत के बगैर कुछ दिए होता नहीं था, और बहुत सारे लोगों की जो इलाके थी निजी इलाके उस पर जो है ज्यादातर लोग जो है ताकत और लोगों ने कब्जे कर रखे थे। इवन सरकारी इमारतों पे जो है उस पर अलग निजी पे अलग। तो सबसे ज्यादा जो चीज है इन 5 सालों में ज्यादा खराबी की तरफ गई है, उसमें इन्होंने जो फ्रंट मैन रखे थे वो फ्रंट मैन इतने मजबूत हो गए, फ्रंट मैनों ने इतना काम खराब कर दिया कि ना रेवेन्यू छोड़ा, ना एक्साइज छोड़ा, ना फूड डिपार्टमेंट छोड़ा, ना ही अपना महकमा सेहत, महकमा तहवीन और जरात लाइफ स्टाइल किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो फ्रंट मैनों ने इतनी तबाही मचाई है कि आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड सारे टूट गए। वो जो कल कुछ भी नहीं थे, मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, कोई नहीं थे, बतौर फ्रंट मैन अरबपति बन गए। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सब उसके नाम लें, लेकिन मार्केट में सारे नाम मौजूद हैं और सारी चीजें मौजूद हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो इस तरह से मजबूत तरह से कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है पीपल्स पार्टी की बतौर गवर्नेंस के हिसाब से। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सेहत के शोबे में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, एनआईसीवीटी इतना ज्यादा पैसा खर्च किया, और इसके अलावा एनआईसीवीटी की पूरे सिंध भर में ब्रांचें खुली, अमराज क्लब के हवाले से जरूरत भी थी, एसआईयूटी की ब्रांचेज भी खुली। एसआईयूटी में तो करप्शन का एलिमेंट मुमकिन ही नहीं है, लेकिन एनआईसीवीटी में हमने कई खबरें ब्रेक की थी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम कमर साहब उन्होंने इतनी तबाही मचाई, इतनी करप्शन की कि नैब को आना पड़ा, तो नैब ने छापे मारे, उसके बाद फिर उन्होंने कोर्टों में जाके जमानत भी कराई, अभी तक जमानतों पे। आप तस्वर कर सकते हैं कि एनआईसीवीटी जो इदारा है वहां पर करप्शन की किस तरह से करते थे। मिसाल के तौर पर कोविड आया 2020 में, कोविड के दौरान पूरे मुल्क में सारे एयरपोर्ट बंद थे, लेकिन इन्होंने 8 करोड़ रुपए के जहाजों के टिकट बिकाए, जिसकी खबरें हमें चलाई कि 8 करोड़ रुपए जहाजों के टिकट। उसी दौरान जिस दौरान सिविल एविएशन वालों ने बताया है नैब को कि इस दौरान पूरे पाकिस्तान में सारे जहाजों की सर्विस मुतल है, एयरपोर्ट बंद थे, लेकिन इन्होंने 8 करोड़ रुपए के दिखाए टिकट दिखाए। तो ये एनआईसीवीटी बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन बदकिस्मती से जिस शख्स के पास रहा है नदीम कमर साहब के पास, तो उन्होंने इतनी तबाही मचाई कि आपकी सोच है। इसी तरह महकमा अगर खुराक में देखे तो 2008 से पहले महकमा खुराक 18 अरब रुपए की मकरूज थी, और अभी महकमा खुराक 150 अरब रुपए की मकरूज है। हर साल ये गंदम खरीदारी करते हैं, लेकिन गंदम जहां पर लोगों को आटा सस्ता नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ जो फ्रंट मैन है उन्होंने इतने पैसे कमाए, अरबों रुपए कमाए, और एक तरफ अरबों रुपए कमाए, दूसरी तरफ बैंकों से जो अरबों रुपए के कर्जे लेके ये खरीदारी करते हैं वो कर्जे वापस नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि उनके जितने फुट गोदाम थे वहां पे इन्होंने गंदम चोरी की, और चोरी करने के साथ जो खराब गंदम थी वो उन्होंने ज्यादा दिखाई, और बाकी इन्होंने फरोख्त करके अपनी जेबें भरी है। तो मजमू तरह अगर मैं ये कहूँ कि उनकी हुक्मरानी अच्छी नजर नहीं आ रही है करप्शन की वजह से, गवर्नेंस की वजह से। जी ठीक है। अच्छा मंसूर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सिंध में एक इदारा है जिसका नाम एंटी करप्शन है और उसका काम ही इस करप्शन पर रोकथाम करना है, तो ये 5 सालों में ये इदारा क्या करता रहा है जो हर वक्त जो है नैब को इंटरवीन करना पड़ा है मुख्तलिफ मामलात में? मुझे आप ये बताएं कि महकमा जो सिंध में जितने पूरे महकमे उसमें से किसी के पास हथियार मुझे तो नजर नहीं आया। अगर आप किसी को पहलवान को रिंग में उतारते हैं उसके हाथ भी बांधेंगे, पांव भी बांधेंगे और कहेंगे कि जाए रिंग में अगले पहलवान से लड़ाई करें, तो ये मुमकिन है कि वो पहलवान जीत रहा तो दूर की बात लड़ाई कर सकेगा। तो महकमा एंटी करप्शन का भी ये हाल था, अच्छे अच्छे अफसरान की तैनाती करते थे, लेकिन उनको मनोगत कि भाई सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ आपको देखना नहीं है,
महकमा खुराक की तरफ आपको देखना नहीं है, रेवेन्यू की तरफ आपको देखना नहीं है, रेवेन्यू जो सब रजिस्ट्रार बैठे आप जाएंगे कि कोई घर लीज पे या कोई सेल डीड बनवाए आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने पैसे भरने पड़ते हैं। तो एंटी करप्शन वालों ने जब देखा कि ऊपर वाले हमें छोड़े नहीं है तो उनके खुद स्टाफ वाले करप्शन का खुद हिस्सा बन गए, उनको महीने हर महीने में टैक्से मिलते रहते और करोड़ों की जो है महीने की मंथली है। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक इदारा है जो 5 सालों में 10 सालों में अच्छा बना गई, उसका नाम है सिंध रेवेन्यू बोर्ड एस आर बी, जो सेल टैक्स पर रेवेन्यू कलेक्ट करती है, सेल टैक्स पर सदस्य सेल टैक्स पे ये पैसे जमा करते हैं। उससे पहले ये 12 साल पहले वफाक से जब ये पैसे मिलते थे तो 15-16 अरब मिलते थे, लेकिन आज इस साल नवा साल में उन्होंने 150 अरब रुपए इकट्ठे किए, 150 अरब रुपए। तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ऐसा है कि इदारा बनाने में ये कामयाब हो गए, जिनके कोई करप्शन नहीं है, जिसका जो काम है बहुत ही शानदार तरीके से है, निजाम पूरा कंप्यूटराइज है, कोई किसी को फेवर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर कोई जो भी ब्रैकेट में आ जाएगा जो टैक्स भरने वाला तो उसे बाहर नहीं निकल सकेगा, ना अगर कोई रिश्वत का कोई सिलसिला है। तो सवाए अगर इसमें एक इदारे को निकाल दें तो बाकी तमाम बाकी जितने इदारे हैं उनमें जवाल हुआ है, उसमें अच्छी चीजें कम हुई है। जी ठीक है मुझसे एक आखिरी सवाल, जो आप जैसे फरमा रहे थे और जिस तरीके से इदारों में करप्शन है, तो ये आने वाले दिनों और सालों में सिंध के आवाम का क्या बनेगा, इसका इसका हल क्या है आपकी नज़र में? वज़ीर आला साहब के अंडर में तो ये पूरा मामला होता है, वो तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और मीडिया टॉक्स होती हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी वो तो बहुत नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो फिर ये प्रैक्टिकली ज़मीनी हकायक क्यों मुख्तलिफ हो जाते हैं? देखिए मुझे ये बताएं, अगर मर्ज नया हो तो उसका इलाज भी थोड़ी तरह होता है, मर्ज अगर नासूर बन जाए कैंसर बन जाए तो आप मुझे बताएं कि वह आराम से खत्म हो सकता है? उसके लिए तो ओवरहॉलिंग की जरूरत है, उसके लिए तो सभी ऑपरेशन की जरूरत है। अब सिंध की सूरत हाल इस तरह की है कि आप बताएं, आपने देखा होगा 2022 में सैलाब आया पूरे सिंध में, है ना, तो सिंध की कराची हैदराबाद को अर्बन एरिया को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ सिंध 28 ऐसे अजला हैं जिसमें कोई ऐसा अजला नहीं है जिसमें जो शहर में डूबे हों देहात में डूबे हों और महीनों के महीनों लोग जो है ना वो पानी में अंदर पड़े रहे थे। इन गवर्नमेंट की जानब से पीडीए में टाउनशिप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उनकी जानब से टेंट खरीदे जा रहे थे, राशन खरीदे जा रहे थे, लेकिन वो दे किसको रहे थे, वो ज्यादातर दे रहे थे पीपल्स पार्टी के उन अहदेदारों को डिप्टी कमिश्नर के मार्फत, वो जाके वहां डंप करते थे। आपने देखा होगा ये खबरें भी चली कि मुख्तलिफ अजला के जजेस ने जहाँ छापे मारे और इनके जो गोदाम से उन गोदामों से टेंट में निकले हैं, राशन के बैग में निकले और अभी तक वो चीजें फरोख्त हो रही हैं। तो आप एकदम से ये तो नहीं कर सकते हैं कि जो 5 सालों में ये 15 सालों वाली खराबी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर इन्होंने ठीक करना शुरू किया तो ये इतना ही हो कि जो इस वक्त तबाही पहुंचा दी है फ्रंट मैनों ने उसको रुकवा दें अगले 5 सालों में, इसका ये फर्क होगा कि एक चीज सामने नजर आएगी, एक बेस बन जाएगा, तो अगली हुकूमत पे असर होगा कि वो उस पर किस तरह कंटिन्यू करता है या उसको फिर बिगाड़ता है। तो ये दो चीजें हैं, तो एकदम से ये ठीक होते मुझे नजर में नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ ये है कि 5 से 10 साल और चाहिए इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ट्रेन पटरी से उतर चुकी है करप्शन की वजह से, बहुत सारे मामला की वजह से, तो इसको ठीक करने में 5 से 10 साल चाहिए, 10 साल नहीं तो कम से कम आगे 5 सालों में नियत हुक्मरान कर लें कि हमें ये करप्शन नहीं करनी, हमें अकरबा परवन नहीं करनी है, हमें किसी को गैर जरूरी फेवर नहीं करनी है, तो आवाम के जो मसाइल हैं वो जाहिर तरीके से हल होंगे, हम नौकरियां नहीं बेचेंगे, सरकार के रिसोर्स सिर्फ नौकरियों पर नहीं लगाएंगे, प्राइवेट सनअतों को प्राइवेट कारोबार को हम जो है वो प्रमोट करेंगे ताकि सिंध के लोगों को एक अल्टरनेट रोजगार मुहैया हो सके। गवर्नमेंट का काम सिर्फ जॉब देना थोड़ी है, गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे वसाइल है, वो वसाइल यूज करके लोगों के जॉब के मौके फराहम करना है ताकि खजाने पे बर्डन कम पड़े, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बताते बताते।